गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संतोष संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। और ये मेरा 23rd सेशन है आपका एडिटोरियल का, और मैं चाहूँगा कि जैसे जैसे ये एडिटोरियल बढ़ते जा रहे बच्चों, आप अपना जुड़ाव भी बढ़ाते जाएं, लोगों को बताते जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाएं, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे ये चीज़ें रेगुलर पर डे आपको मिल रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की मुझे भी ज़रूरत पड़ती है कि हाँ बच्चों का सपोर्ट मुझे मिल रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है कोट दैट मोटिवेट्स यू। ये सामने आपके हैं, आपको इसमें बताने की कोशिश की गई है सक्सेस कंसिस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म। यानी यहां ये बताने की कोशिश की गई सक्सेस में क्या चीजें कंसिस्ट करते हैं, क्या चीजें निहित होती हैं, क्या चीजें शामिल हैं। ऑफ गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर, यानी असफलता दर असफलता मिलकर के धीरे धीरे किस तरफ वो बढ़ती है बच्चों, सक्सेस की तरफ, सफलता की तरफ। और जब आप असफल हो रहे हो ना, ईश्वर ना करे आपको सामना करना पड़े, बट बिना असफलता के सफलता का स्वाद भी अच्छा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, अगर सफलता को अच्छे से इंजॉय करना है तो फिर असफल होने के लिए भी क्या रहे, हमेशा तैयार रहे। तो ये जो असफलता होती है ना, जब ये मिलती है तो धीरे धीरे हमारा जो एंथुसियाज्म है, हमारा जो फर्वर है, हमारा जो उत्साह है, वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो कहा यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि अगर आप असफल हो रहे हों तो अगर उसके बाद आप सफल होना चाह रहे हों तो तभी हो सकते हैं जब विदाउट लॉस ऑफ एंथुसियाज्म, अर्थात असफल होने के बावजूद अपने अंदर के उत्साह को कभी मरने न दे बच्चों, क्योंकि गॉड्स मिल ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता है। और हमेशा याद रखें, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी रोम का निर्माण जो है एक दिन में नहीं हुआ था। अर्थात किसी भी बड़े कार्य को, बड़ी सफलता को अगर आपको प्राप्त करना है तो कहीं कहीं उसमें क्या देना होगा, आपको समय देना होगा। एडिटोरियल ही रख लीजिए, अगर आपको इसे समझना है अच्छे से तो आपको समय देना होगा। आप दिन दो दिन चार दिन में पांच दिन में इसे पढ़ना शुरू नहीं कर पाएंगे। आप रेगुलर पढ़ें, निरंतर पढ़ें, असफलता दर असफलता धीरे धीरे इस पढ़ने रूपी सफलता में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा क्योंकि ये अलग है आपके लिए। ये मैंने क्या किया, जो रिपीटेड वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं उन्हीं का एक तरह से नया वर्जन है आपका, कि जो वर्ड्स आपने पढ़े हैं, जो वर्ड्स आपने पिछले एडिटोरियल में या उसके पहले थोड़े बहुत पढ़े हैं, उन वर्ड्स को मैंने एमसीक्यू में परिवर्तित कर दिया ताकि इसका आपको ज्यादा लाभ मिले। तो जल्दी से देखते जाएं और अपनी कॉपी पे या जो भी आपके पास नोट्स हो आप बताते जाएं, अपनी कॉपी पे लिखते जाएं ताकि आप बाद में देख सकें कि आपका क्या आंसर हो। ठीक है, देख लें फास्ट, कैपिचुलेशन का सरोनिम यहां पर सारे दिए गए हैं। कैपिचुलेशन का वास्तविक रियल सरोनिम क्या होगा, सरेंडर, इंसाइटमेंट, स्ट्रॉन्डेड या लॉग रोलिंग। स्टॉप गैप का क्या होगा, बट्रेस का क्या होगा, एक्विपोइस का क्या होगा, जल्दी से कॉपी लिख लीजिए क्योंकि मैं आगे बढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, और फिर आप अपना देखिएगा, मिलाइएगा कि इसका आंसर क्या हो रहा है। ओके, हो गया, कैपिचुलेशन का, स्टॉप गैप का, बट्रेस का, एक्विपोइस का, ये भी कल ही सारे वर्ड्स आपने पढ़े थे बच्चों, आपको याद होना चाहिए, ऐसे आपको तैयार हो जाएगा। ये वर्ड्स देख लें, कंटेनमेंट आपने पढ़ा था पैंडेमिक वाले में, नेमेसिस आपने पढ़ा है, एनेक्सेशन आपने पढ़ा है, ब्रोच भी आपने पढ़ा है। सिर्फ सिनोनिम्स लिख लेंगे, इससे लिखते समय आपको याद भी होगा कि हाँ कंटेनमेंट का ये होता है, नेमेसिस का ये होता है, एनेक्सेशन का ये होता है, ब्रोच का ये होता है। हिंदी में वर्ड्स को भी सोचने की कोशिश करें कि कंटेनमेंट मीन्स क्या होता है, नेमेसिस मीन्स क्या होता है, एनेक्सेशन मीन्स क्या होता है, ब्रोच मीन्स क्या होता है। ओके बच्चों, और ये लास्ट सेगमेंट आपका, फैक्शन क्या है, अडामेंट क्या है, प्रोट्रैक्टेड क्या है, ब्रीच क्या है, और इसके सरोनिम्स क्या है। अगर आप बेहतर बनना चाहेंगे तो आप इनका फायदा लेंगे बच्चों, इससे आपको कई सारी चीजें आपके सरोनिम्स एंटोनिम्स और तैयार
होते जाएंगे, तो अगर मीनिंग जानेंगे तो अपने आप उसका अर्थ निकाल लेंगे आप कि हाँ इसका ये हो सकता है। लिख लिया आपने फैक्शन का क्या होगा, अडामेंट का क्या होगा, प्रोट्रैक्टेड का क्या होगा, ब्रीच का क्या होगा। ओके चलिए मिलाते हैं बच्चों, या तो पहला वर्ड आपका था कैपिचुलेशन, इसका अगर आपको याद हो कैपिचुलेशन मीन्स समर्पण, आत्मसमर्पण को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा सरेंडर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वर्ड्स भी अपने डिक्शनरी में आपने खोजिएगा, आप खोजते समय आपको याद होगा बच्चों, जानबूझ के दिए गए ताकि आपके एग्जाम्स में काम आए। स्टॉप गैप, अभी कल आपने पढ़ा था, स्टॉप गैप का होगा सब्स्टिट्यूट, होता ना किसी चीज का स्थानापन, किसी चीज के बदले में जो यूज होता है वो स्टॉप गैप होता है। बट्रेस आपको याद हो गया, बट्रेस मीन्स सहारा किसी चीज का, तो क्या हो जाएगा सपोर्ट। इक्विपोइज याद है आपको, संतुलन बैलेंस, तो क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम। कंटेनमेंट क्या है, किसी चीज पर रोकथाम, उस पर नियंत्रण, तो क्या हो जाएगा प्रिवेंशन। नेमेसिस दो होता है, नेमेसिस मीन्स दंड यानी पनिशमेंट भी होता है, और नेमेसिस मीन्स शत्रु यानी विरोधी भी होता है। यहां मैंने कल के एडिटोरियल के लेवल पे अपोनेंट के लेवल पे दिया आपको, नेमेसिस मीन्स शत्रु विरोधी, तो अपोनेंट हो जाएगा। एनेक्सेशन क्या होता है, संयोजन जोड़ने का कार्य, मिलाने का कार्य, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका एमलगमेशन, मिलाने का कार्य। ब्रोच क्या होता है, किसी विषय को छेड़ना यानी कोई विषय उठाना, चर्चा के लिए हम कोई विषय उठाते हैं तो हम उसे ब्रोच करते हैं, तो हम क्या करते हैं रेज करते हैं। फैक्शन भी आपने कल पढ़ा था, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है उससे कोई गुट जो टूट रहा है वो फैक्शन होता है, वो क्या होता है सेक्ट होता है, या अगर आपको याद हो ब्लॉक, या ये भी ब्लॉक, ये दोनों हो जाएंगे आपके। अडामेंट क्या होता है, जो बहुत हार्ड हो, मीन्स क्या हो बच्चों बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है कठोर दृढ़ हो। प्रोट्रैक्टेड क्या होता है, प्रोट्रैक्ट से होता है, जब कोई चीज आप बहुत इलांगेट करते हैं, मीन्स बढ़ा लेते हैं आप, ये करते हैं बच्चों प्रोलॉन्ग करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वह प्रोट्रैक्टेड हो जाता है, मीन्स इलांगेटेड होता है, दीर्घकालीन। ब्रोच क्या होता है, सॉरी ब्रीच, यहां पे ब्रीच क्या होता है, किसी नियम किसी एग्रीमेंट वगैरह को जब आप वायलेट करते हैं, उसे ब्रेक करते हैं, तोड़ने का कार्य करते हैं, तो वह ब्रीच होता है नाउन के रूप में, तो वह वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वर्ड्स फिर से देखिएगा, इसमें जो चारों ऑप्शंस भी दिए गए हैं, चार चार सारे वर्ड्स देखेंगे तो आपके और भी वर्ड्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, ये किस तरीके से आपको फायदा दे सकता है, अपनी जो आपका ओपिनियन होता है बच्चों रखें, मैं देख रहा हूँ बच्चे अपनी ओपिनियंस नहीं रख रहे हैं, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो आप बताएं, उससे एनकरेजमेंट भी मिलता है और सुधार करने का मौका भी मिलता है। ठीक है, चलिए वोकैब सेक्शन आपका है, पहला वर्ड है एस्केलेट। एस्केलेट क्या होता है, जब आप किसी चीज को बढ़ा देते हैं, स्पेशली जैसे कोई मुद्दा है, किसी चीज की गर्मी है, उसका जो मुद्दा है वो बहुत तेज से बढ़ रहा है, मैं जैसे दो लोग लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई में जो सीवियरिटी है इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, वो क्या हो रही है एस्केलेट हो रही है, मीन्स किसी तेज को किसी चीज को तेजी से बढ़ाना, उसे बलून कर देना, बढ़ा देना, उसे रॉकेट कर देना, तेज कर देना, उसे माउंट कर देना, ऊंचा उठा देना, बढ़ा देना, सर्ज कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, तो एस्केलेट जैसे भारत और चीन के बीच में जो विवाद है वो एस्केलेट करता जा रहा है, मीन्स क्या होता जा रहा है विवाद बढ़ता जा रहा है, एस्केलेट करता जा रहा है। इसी एस्केलेट में ई हटा करके आप आई ओ एन जोड़ देंगे तो एस्केलेशन हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, तेजी को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक फ्रेजल वर्ब है अबाइड बाय, मैंने पहले भी इस पर आपसे डिस्कशन किया था। अबाइड बाय मतलब याद है आपको बच्चों, कंप्लाई विद है ना, या होल्ड टू, या अगर आपको याद हो एडहियर टू, चारों यूज कर सकते हैं, होल्ड टू, कंप्लाई विद, या एडहियर टू, या अबाइड बाय। अबाइड बाय मीन्स किसी नियम किसी कानून का पालन करना होता है। ठीक है,
तो जब आप टू फॉलो अ रूल, डिसीजन या इंस्ट्रक्शन को करते हैं, आप अबाइड बाई करते हैं, मीन्स आप उसे ओबे कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, तो आप अबाइड बाई कर रहे हैं। जैसे आप अपने जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं आप उन्हें फॉलो करते हैं, उन ट्रैफिक रूल्स को आप क्या करते हैं, अबाइड बाई करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ये आपके लिए है ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट यहां वर्ब के रूप में है, किसी चीज में रुकावट पैदा करना, किसी चीज में रुकावट पैदा करना, यानी कोई चीज चल रही है और आप उसको बीच में हैम्पर कर दें, रोक दें, तो आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, अर्थात आपने हिंडर कर दिया, रुकावट पैदा कर दी, इम्पीड कर दिया, रुकावट पैदा कर दी, इंटरफेयर विद कर दिया, रुकावट पैदा कर दी, हैम्पर कर दिया आपने, रुकावट पैदा कर दी, ब्लॉक कर दिया आपने उसे, रोक दिया आपने, इंटरप्ट कर दिया आपने, रोक दिया आपने। अगर ध्यान से देखें बच्चों कि जो हिंडर है ना, इसी से आपका हिंड्रेंस नाउन बना है, जो इम्पीड है इसी से इम्पीडमेंट नाउन बना है, इंटरफियर से इंटरफियरेंस नाउन बना है, हैम्पर दोनों काम करेगा, ब्लॉक दोनों काम करेगा, और जो इंटरप्ट है इसी से इंटरप्शन बना। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्ट से भी आप इसका नाउन बना सकते हैं, अगर आपको याद हो ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी क्या हो जाएगा नाउन, अवरोध, रुकावट। ठीक है, जब भी कोई चीज कहीं पर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, यानी वो उसे क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मीन्स बाधा डाल रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका टेरेनो। टेरेन क्या है, निर्दिष्ट प्रकार की भूमि, निर्दिष्ट यहां रहेगा, निर्दिष्ट प्रकार की भूमि, यानी वो भूमि, वो सॉइल हम जिसकी बात कर रहे हैं, यानी वो लैंड हम जिसकी बात कर रहे हैं वो टेरेन कहलाता है, यानी लैंड ऑफ द टाइप मेंशन्ड, यानी हम जिसका उल्लेख कर रहे हैं वो आपका टेरेन कहलाता है, यानी ये एक प्रकार का लैंड है, मीन्स एक भूमि है, एक ग्राउंड है, मीन्स एक भूमि है, एक टेरिटरी है, मीन्स एक क्षेत्र है, एक लैंडस्केप है, एक परिदृश्य है। ठीक है, तो टेरेन अभी आप यही एडिटोरियल में पढ़ेंगे जहां पे वो डोकलाम वगैरह के टेरेन की बात कर रहे हैं, मीन्स उस भूमि की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंडरपिन। अंडरपिन क्या होता है, अंडरपिन यानी किसी चीज को सहारा देना, उसके नीचे लग करके उसे सहारा देना, सपोर्ट देना, ये अंडरपिन करना होता है, मीन्स जैसे कोई भी बेसिस है, आधार है, वो क्या दे रहा है, उसे बेस दे रहा, आधार दे रहा है, वो आपका क्या कर रहा है, अंडरपिन कर रहा है, मीन्स वर्ब के रूप में यहां पर है, यानी वो उसे ब्रेस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथन दे रहा है, ताकत दे रहा है, री इन्फोर्स कर रहा है, और अधिक ताकतवर बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, अभी कल भी आपने पढ़ा था, यानी अंडरपिन कर रहा है, उसे सहारा दे रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पेटस। यहां पूछो ये आपका एक तरह से नाउन की तरह काम करेगा आपका, न कि वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, प्रेरणा इंस्पिरेशन के सेंस में है आपका, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी चीज के होने में मदद करती हो, वो क्या है, एक प्रेरणा है। जैसे आप बहुत बार होता है ना, आप कोई कार्य करना नहीं चाहते लेकिन आपके अंदर एक इम्पेटस उत्पन्न होता है, एक स्टिम्युलस आता है, एक मोटिवेशन आता है, एक इंस्पिरेशन आता है, एक बूस्ट आता है, एक प्रमोशन आता है, ये सारी चीजें आपको क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं कि हाँ ये कार्य आपको करना चाहिए। तो इम्पेटस क्या हो जाएगा, एक प्रकार की प्रेरणा जो उस कार्य के होने में मदद देती हो, अर्थात एक प्रकार का मोटिवेशन है वो, यानी एक प्रेरणा है, एक स्टिम्युलस है, एक प्रेरणा है, एक इंसाइटमेंट है, एक प्रेरणा है, एक प्रकार का बूस्ट है, एक प्रकार का इंस्पिरेशन है वो, मीन्स क्या है, एक प्रेरणा है, एक प्रकार का सेंस पे ले सकते हैं, पूरा लागू नहीं होगा फिर भी, एक प्रकार का प्रमोशन है, प्रमोट करने का कार्य। ठीक है, तो इम्पेटस जो आपको प्रेरित करे वो इम्पेटस है, प्रेरणा। कैच अप, यहां बच्चों जो कैचअप का अर्थ दिया गया है किसी विषय पर चर्चा, लेकिन ध्यान रखिएगा कैचअप का एक और अर्थ होता है, जब आप किसी से बराबरी करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे कैचअप करते हैं, क्या करने की कोशिश करते हैं, बराबरी, जैसे किसी का लेवल है कोई, तो यू आर प्लेइंग कैचअप, यू आर प्लेइंग कैचअप, तो आप क्या चाह रहे हैं, जो लेवल उसका है वही लेवल आपका भी हो जाए, तो आप कैचअप करते हैं, लेकिन यहां किसी विषय पर चर्चा के सेंस में दिया गया है, मीन्स एक डिस्कशन के सेंस में दिया गया है, तो आप जो याद करें क्या है, कैचअप, प्ले कैचअप, मीन्स बराबरी करना, किसी के लेवल पे आना।
ये कंपटीशन के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, स्टैंड ऑफ। भारत और चीन के बीच में 2017 में डोकलाम को लेकर के एक स्टैंड ऑफ आया था। मीन्स क्या आया था, एक स्टेलमेट आ गया था। मीन्स क्या हो गया था, एक डेडलॉक उत्पन्न हो गया था। मीन्स एक प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो गया था। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड अभी कल भी आप पढ़े थे शायद, इम्पास। तो स्टैंड ऑफ मीन्स एक प्रकार का गतिरोध नाउन के रूप में है, अर्थात एक प्रकार का स्टेलमेट है, गतिरोध है, एक प्रकार का डेडलॉक है, गतिरोध है, एक प्रकार का इम्पास है, गतिरोध। ठीक है, यहां पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह भी आप यूज कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। तो कहीं भी अगर स्टैंड ऑफ आ रहा है मीन्स एक प्रकार का गतिरोध आ रहा है। अगर आप एक वर्ड आपको याद हो, हमने चर्चा की थी इस पे, स्टैंड स्टिल, यानी एक ऐसी अवस्था जो आपको स्टैंड स्टिल की अवस्था में ले चले आए, अर्थात जड़वत कर दे, दिस इज स्टैंड ऑफ मीन्स एक गतिरोध। जब कोई प्रक्रिया आगे न बढ़ पाए तो वो आपका एक स्टैंड ऑफ या स्टेलमेट होता है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिगर। ये वर्ड आप जानते हैं बच्चों, बचपन में भी जब आप बंदूक वगैरह की बात करते हैं तो ट्रिगर दबाओ, ट्रिगर दबाओ। वो ट्रिगर क्या करता है, गोली चलाने के लिए शुरुआत करता है, दिस इज ट्रिगर। ऐसे गाड़ी में वगैरह में भी होता है, इंजन जो होता है जब आप इंजन में की लगाते हैं ना अपनी चाबी, तो वो इंजन को ट्रिगर करता है, मीन्स क्या करता है, शुरुआत करता है। आपका हार्ट भी ट्रिगर करता है, मीन्स चलने की शुरुआत करता है, दिस इज ट्रिगर। मीन्स किसी प्रतिक्रिया को एकाएक परिवर्तित करना, अर्थात उसे शुरुआत दे देना, एक बिगिनिंग दे देना, दिस इज ट्रिगर। मीन्स उसे एनकिंडल कर देना, मीन्स प्रज्वलित कर देना, जला देना, शुरू कर देना, उसे सेट ऑफ कर देना, मीन्स शुरू कर देना, एक्टिवेट कर देना, मीन्स क्रियान्वित कर देना, गतिशील बना देना, स्टिमुलेट कर देना, उसे प्रेरित कर देना, शुरू कर देना, दिस इज ट्रिगर। लाइफ में बहुत ऐसी घटनाएं होंगी जो ट्रिगर करेंगे, मीन्स क्या होंगी, वो उसे शुरुआत देंगे, अचानक वो शुरू हो जाएंगे। और ये आपका एडिटोरियल है, तो हम जल्दी से वर्ड्स देख लेते हैं। ट्रिगर मीन्स एक तरह से किसी स्थान परिवर्तन ले आना, शुरुआत करना। स्टैंड ऑफ क्या हो गया, एक प्रकार का गतिरोध हो गया। कैचअप क्या हो गया, यहां के सेंस में बराबरी पर आना, लेवल पर आना। इम्पेटस क्या हो गया, एक प्रकार के इंस्पिरेशन, प्रेरणा। अंडरपिन क्या हो गया, सपोर्ट करना, सहारा देना। टेरेन क्या हो गया, वो भूमि, वो जमीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक प्रकार की लैंड, एक प्रकार का ग्राउंड। ऑब्स्ट्रक्ट क्या हो गया, किसी कार्य में बाधा डालना, हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। अबाइड बाई क्या हो गया, किसी नियम, किसी कानून का पालन करना। और स्केलेट क्या हो गया, जब किसी चीज में बढ़ोतरी हो, वो चीज बढ़ रही हो, स्पेशली विवाद वगैरह, तो वो क्या हो रहा है, स्केलेट हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। दिस इज द एडिटोरियल ऑफ टुडे। कीपिंग द पीस ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। कीपिंग द पीस यानी शांति को बनाए रखना। ये कीपिंग यहां जीरण भी हो सकता है और सेंस पे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है। और जैसे पीस के पहले आपने द देखा, तुरंत समझ जाए कि ये पीस क्या है, यहां पे नाउन है आपका। आन इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, ये पूरा आन बच्चों क्या है, प्रीपोजिशन है। ये पूरा मिला के क्या होगा आपका, एक कंपाउंड नाउन हो जाएगा। कौन सा, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन हो जाएगा। ठीक है, यानी पूरा आपका, जिसमें वास्तव में टेंशन क्या है आपका, नाउन है। बॉर्डर इसका किससे इसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। लेकिन अगर पूरा लेंगे आप, इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, ये पूरा कंपाउंड नाउन की तरह काम करेगा। यानी पूरा आपका एडिटोरियल जो है वो इंडिया, भारत और चीन के बॉर्डर टेंशन, यानी जो सीमा पर विवाद है, तनाव है, उस पर ये लिखा गया है। करें इंडिया एंड चाइना must end tensions on the border by clarifying the LAC, LAC line of actual control, है ना, LAC, यानी भारत और चीन जो है must end, उन्हें निश्चित ही समाप्त कर लेना चाहिए। जैसे ही must आया, तुरंत समझ जाएं यहाँ पे एक तरह से अनिवार्यता दिखाई जा रही है, अर्थात must end, end यहाँ पे क्या है,
वर्ब हो जाएगी फिर आपके। भारत और चीन को अवश्य ही समाप्त कर लेना चाहिए, क्या समाप्त करना चाहिए, टेंशंस, ये क्या हो जाएगा फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसका, क्या समाप्त करना चाहिए, तनावों को समाप्त कर लेना चाहिए, ऑन द बॉर्डर, कहां पर समाप्त कर लेना चाहिए, बॉर्डर पर, ये क्या हो जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा जो यहां एडवर्बियल यानी एडवर्ब फ्रेज की तरह काम कर रहा है। बाय कैसे तनाव को कम करना चाहिए, बाय क्लैरिफाइंग द LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लैरिफाई करके, बाई यहां पे है ना, बाई बाई मतलब यहां प्रीपोजिशन हो गया तो क्लैरिफाइंग क्या हो जाएगा, जीरंड हो जाएगा बाई क्लैरिफाइंग, यानी अगर उस सेंस में बच्चों थे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है जब इसे वर्ब की तौर पे आप इस्तेमाल करें, यानी क्लैरिफाई करने के सेंस में इस्तेमाल करें, बाई क्लैरिफाइंग द LAC यानी LAC को क्लैरिफाई करके करने के द्वारा हमें बॉर्डर पर जो तनाव है इंडिया और चाइना को उसे क्या करना चाहिए, मस्ट एंड, खत्म करना चाहिए, ठीक है, समाप्त करना चाहिए। एक एक वर्ड देख लेते हैं बच्चों, इंडिया आप जानते हैं नाउन हो जाएगा, एंड यहां कंजंक्शन हो जाएगा तो चाइना भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, एंड से पहले नाउन तो एंड के बाद भी नाउन होगा, मस्ट यहां पे मॉडल है आपकी जिसका मतलब जरूर के सेंस में होता है, जरूर अंत करना चाहिए, तो एंड क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगी आपकी, टेंशंस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो जाएगा, ऑन क्या है प्रीपोजिशन हो जाएगा, द क्या हो जाएगा डिटरमिनर या आर्टिकल हो जाएगा, बॉर्डर यहां क्या हो जाएगा फिर द के बाद नाउन हो जाएगा, बाई क्या है प्रीपोजिशन हो जाएगा, तो क्लैरिफाइंग क्या हो जाएगा यहां जेरंड की तरह काम करेगा, और अगर आप फिर मैं कहूंगा एडजेक्टिव के तौर पे लें या वर्ब के तौर पे लें तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, और द यहां क्या हो जाएगा आर्टिकल या डिटरमिनर, और LAC क्या हो जाएगा नाउन, कंपाउंड नाउन हो जाएगा, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। टोन बच्चों समझते होंगे, अगर भारत और चीन के विवाद पर है तो आप निश्चित समझते होंगे ये जब भी रहेगा क्या रहेगा, सजेस्टिव रहेगा, यानी कहीं कहीं सजेशन देने की कोशिश की गई है कि हाँ अगर आपको विवाद खत्म करना है तो किस तरीके के तरीकों को आपको अपनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ वास्तव में जो बताने की कोशिश की गई है आपको ये है कि अभी चार चार बार भारत और चाइना की जो सेनाएं थी वो आपस में क्या हो गई, उनमें एक स्टैंड ऑफ आ गया, मीन्स कहीं कहीं एक गतिरोध की अवस्था आ गई, अर्थात तो आपस में क्या हो गए, क्लैश कर गए, क्लैश करना मीन्स झगड़ जाना, क्लैश कर गए। इससे पहले 3 साल तक किसी प्रकार का कोई स्टेलमेट या स्टैंड ऑफ या इम्पास नहीं आया था, मीन्स कोई गतिरोध नहीं आया था, तब से कब से, जब से 2017 में डोकलाम का मुद्दा हुआ था जहां भारत और चाइना ने उसके बाद उसे सुलझाया था, और तब से मुद्दा क्या था, बिल्कुल शांत था। लेकिन अभी इधर आप देखेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या हुआ, दोनों सेनाएं आपस में कहीं थोड़ी बहुत उनमें क्या हो गई, कहीं क्लैशेस हुए। लेखक कहना चाह रहा है कि अगर 3 साल तक चीजें इतनी व्यवस्थित रही, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी और उधर जो चीन के प्रधान ली जिनपिंग हैं उनके बीच में इस तरीके जो बातचीत हुई जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सेनाओं ने आपस में एक हार्मनी का माहौल क्रिएट किया, मीन्स सामंजस्य का माहौल क्रिएट किया, और कहीं पर बहुत ज्यादा विवाद का विषय नहीं बना, तो फिर आखिर कौन सी चीजें हो गई जिनकी वजह से स्थिति आई। तो एक्चुअली हुआ क्या कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो भारतीय सेना है उसके द्वारा सड़कों का क्या किया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, वो सड़कें उसी प्रकार से बनाई जा रही जिस प्रकार से दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ ऑलरेडी चाइना ने क्या कर रखी है, बना रखे हैं। लेकिन चाइना जो है वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि भारत वैसा कैसे कर ले जिस तरीके से उनकी अपनी व्यवस्था है, तो वो लोग इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के कार्य में क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, हिंडर कर रहे हैं, मीन्स एक तरह से रोकने का कार्य कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, जिस पर कहीं कहीं क्लैशेस हर हाल में होंगे। तो इसी पर सुझाव दिया गया है कि इस तरीके की बातचीत जो उनके ब्रिगेड कमांडर्स हैं उनके बीच में होनी चाहिए, और मिलजुल कर इस मसले का क्या निकालना चाहिए, उनको समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि जो इस समय ऐसी पैंडेमिक यानी ऐसी महामारी फैली हुई है कि इस अवस्था में दोनों ही देशों के लिए कहीं से भी वाजिब नहीं होगा कि वो एक दूसरे से क्लैश करें, मीन्स कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था में आए, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पे
विद फोर इंसिडेंट्स बिल्कुल ईजी है, विद समझते होंगे प्रीपोजिशन, तो फोर आपका न्यूमरल है, इंसिडेंट्स नाउन हो जाएगा, इंसिडेंट्स घटनाएं, हैपनिंग्स, यानी चार घटनाओं के साथ। कौन सी चार घटनाएं? एलांग, एलांग समझते होंगे, मैंने कल भी बताया था, के किनारे, एलांग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एलांग, उसके किनारे चार घटनाएं हुई इन रिसेंट वीक्स। कब हुई? इन रिसेंट, रिसेंट में इस बच्चों समझते हैं ना, हाल ही में, इसी रिसेंट में अगर आप LY जोड़ देंगे ना, LY, अगर आप LY जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिसेंटली, रिसेंटली मीन्स हाल ही में, तब भी होगा, और ये क्या हो जाएगा अब आपका एडवर्ब, और इसी में LY हटा देंगे अगर आप, तो ये हो जाएगा रिसेंट, अभी क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो करें इन रिसेंट वे, वीक्स क्या है, नाउन है आपका, तो नाउन के पहले रिसेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यानी हाल के सप्ताहों में, कॉमा तक आपने पढ़ा, हाल के सप्ताहों में क्या हुआ कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एलांग, उसके किनारे विद फोर इंसिडेंट्स, क्या हुई, चार घटनाएं हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि द इंडिया चाइना बॉर्डर, भारत और चीन की जो बॉर्डर है, बॉर्डर यहां नाउन के रूप में हो गया, भारत और चीन का जो बॉर्डर है, उनकी जो सीमा है, इज विटनेसिंग। देखिए विटनेस क्या होता है, विटनेस में किसी चीज का साक्षी होना, गवाह होना, इसमें ING जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, क्योंकि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं। भारत और चीन की जो बॉर्डर है, सीमा है, इज विटनेसिंग, यानी वो गवाह बन रही, वो साक्षी बन रही है द हाइएस्ट टेंशन, किससे, इसके द हाइएस्ट टेंशन, टेंशन क्या है, नाउन, हाइएस्ट क्या है, हाई का सुपरलेटिव डिग्री, द क्या है, डिटर्मिनर या आर्टिकल, यानी भारत और चीन का जो सीमा है इज विटनेसिंग द हाइएस्ट टेंशन, यानी वो सबसे अधिक तनावों को देख रहा है, सिंस, कब से, सिंस द डोकलाम स्टैंड ऑफ इन 27, स्टैंड ऑफ याद हो गया, गतिरोध, यानी स्टैंड ऑफ मीन्स गतिरोध हो जाएगा, यानी जब 2017 में डोकलाम का स्टैंड ऑफ आया था, मीन्स गतिरोध आया था, तब से भारत और चीन पर जो सीमा है उनकी इज विटनेसिंग द हाइएस्ट टेंशन, वहां पर सबसे अधिक क्या हुआ है, तनाव हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे। करें इन द 3 years सिंस, तब से, यानी इन 3 वर्षों से, यानी जब से 3 वर्ष बीते हैं, इन 3 वर्षों में बोथ साइड्स, साइड्स क्या है यहां पे, नाउन, तो बोथ क्या हो जाएगा यहां, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, बोथ साइड्स, दोनों ही पक्ष जो हैं, हैव डन, जैसे साइड्स आया तो प्लूरल हो गया, हैव हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यानी इन 3 वर्षों में क्या हुआ कि बोथ साइड्स हैव डन रिमार्केबली, ये डन क्या है, डन क्या है, एक्शन वर्ब है, इसलिए रिमार्केबली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों ही पक्षों ने हैव डन रिमार्केबली, अनुकरणीय कार्य किया है, रिमार्केबली वेल, यानी बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया है, टू कीप द पीस, क्या बनाए रखने के लिए, टू कीप द पीस, समझ लेंगे बच्चों, यानी शांति बहाल रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, यानी शांति बनाए रखने के लिए दोनों ही पक्षों ने रिमार्केबली वेल हैव डन, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया है, कब से, इन 3 वर्षों में, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखिए ध्यान देखेंगे, जब बच्चों ये प्रॉपर नाउन आ गया ना मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर के पहले द नहीं लगा है, नहीं लगा ना, लेकिन अगर ये मोदी नहीं लिखा होता ना, प्राइम मिनिस्टर के पहले क्या लग जाता, द लग जाता, यानी इनका रेफरेंस है यहां पे नॉमिनेशन, इसलिए यहां पे द नहीं लगाएगा, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी, यानी प्रधानमंत्री मोदी, एंड प्रेसिडेंट जी, जी मतलब जी पिंग, ये ना, तो जो प्रधानमंत्री मोदी हैं और वहां के जो राष्ट्रपति जिनपिंग हैं, बोथ, ये दोनों, ये बोथ यहां क्या है बच्चों, यहां प्रोनाउन के रूप में आप कह सकते हैं, दोनों ही एग्रीड, ये क्या हुए, दोनों लोग सहमत हुए, ये पास्ट इंडिफरेंट है, दोनों सहमत हुए कि डिफरेंसेस, यहां से आप समझिए एक चीज छिपा दी गई, क्या, दैट, यानी दोनों ही सहमत हुए कि डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड,
ये डिफरेंसेस शुड नॉट बी, पैसिव वॉइस हो गया, शुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये डिफरेंसेस नहीं अलाउ करेगा, डिफरेंसेस को अलाउ नहीं किया किया जाना है, क्या होने के लिए, टू एस्केलेट, कि वो डिफरेंसेस क्या होते जाएं, टू एस्केलेट, बढ़ते जाएं इनटू डिस्प्यूट्स, किसमें, विवाद में, झगड़े में। फिर से देखें बच्चों, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और वहां प्रेसिडेंट जिनपिंग जो है बोथ एग्रीड, ये दोनों जो है ये सहमत हो गए दैट कि डिफरेंसेस शुड नॉट बी अलाउड, कि मतभेदों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, टू एस्केलेट इनटू डिस्प्यूट्स, कि वो बढ़ करके क्या हो जाए, डिस्प्यूट्स, विवादों में क्या हो जाए, बदल जाए, यानी मतभेदों को, भिन्नताओं को इतना नहीं बढ़ने देना है कि उनकी वजह से क्या हो जाए, डिस्प्यूट्स, विवाद हो जाए। इनटू क्या है, प्रीपोजिशन, तो डिस्प्यूट्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, टू अगर यहां लगा है और ये एस्केलेट है तो क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी आपके। आल्सो, ये आल्सो क्या है, एडवर्ब, जब भी आल्सो वाक्य के आरंभ में हो और कॉमा तुरंत समझ जाए एडवर्ब, यानी पूरे वाक्य को मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसके अलावा भी, क्या भी, अ क्लियर मैसेज, अ क्लियर मैसेज, मैसेज क्या होता है, नाउन, तो क्लियर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, अ क्लियर मैसेज वाज सेंट, वाज के साथ जैसे ही वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, इज एम आर वाज वर्ब, तुरंत समझ जाए कि वो क्या है, पैसिव वॉइस, यानी मैसेज ने नहीं भेजा, मैसेज भेजा गया, यानी अ क्लियर मैसेज वाज सेंट, एक अस्पष्ट मैसेज भेजा गया टू द टू मिलिट्रीज, किनको भेजा गया, दोनों सेनाओं को, मिलिट्रीज क्या है, नाउन, तो टू क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो द क्या हो जाएगा, डिटरमिनर या आर्टिकल, ने दोनों सेनाओं को एक अस्पष्ट मैसेज भेजा गया टू अबाइड बाई, अभी आपने पढ़ा था अबाइड बाई, किसे नियम, किसे कानून, किसे व्यवस्था का पालन करना, टू अबाइड बाई, कि वो पालन करें, दोनों सेनाएं पालन करें द डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स, किनको पालन करें, उन सुनिश्चित नियमों को, यानी प्रोटोकॉल्स याद है, पहले भी आपने पढ़ा था, जो किसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सुनिश्चित नियम होते हैं, स्पेशली दो देशों के बीच में वो प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इफ देर आर सम सिस्टम्स, यानी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं दैट आर गोइंग टू बी फॉलोड बाय टू नेशंस, या बिटवीन द व्हाट यू कैन प्रेसिडेंट्स आर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द टू नेशंस, और बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ द टू नेशंस, दोनों राष्ट्रों के बीच जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनके बीच जो सुनिश्चित नियम होते हैं वो प्रोटोकॉल कहलाते हैं। फिर से देखें, आल्सो अ क्लियर मैसेज वॉज सेंट, एक अस्पष्ट मैसेज भेजा गया टू द टू मिलिट्रीज, दोनों सेनाओं को, टू अबाइड बाई द डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स, कि जो सुनिश्चित नियम है, व्यवस्थित नियम है, उन मतलब उन विवरण यानी विस्तृत नियमों को टू अबाइड बाई, वो दोनों सेनाएं क्या करें, पालन करें, ऑलरेडी इन प्लेस, जो डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी इन प्लेस, पहले से ही व्यवस्थित है, यानी पहले से ही स्थित है, उन डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स को दोनों सेनाओं को क्या करना है, टू अबाइड बाई, पालन करना है, ऐसा अस्पष्ट मैसेज उन्हें भेजा गया, सच एज दोज, जैसे कि दोज एग्रीड, यानी वो प्रोटोकॉल्स, वो डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स एज, जैसे कि दोज, वो प्रोटोकॉल्स एग्रीड, जिन पर दोनों देश सहमत हुए थे, टू एग्रीड टू, याद करें किसी व्हाट प्रपोजल से जब आप सहमत होते हैं, यानी उन दोनों देशों ने जिन प्रोटोकॉल्स पर अपनी सहमति दी थी इन 2015 होगा यहाँ पे, तो मिट गया बच्चों, यानी 2005 में, that's not something I can calculate. ये मेरा जो कार्टूना है ना वो बोलने लगा था, चले कह रहे हैं कि यानी उन सच एज दोज एग्रीड टू इन 2013, यानी जो 2005-2013 में जो आपस में सहमति बनी थी, जो ऑलरेडी इन प्लेस हैं, व्यवस्था में हैं, उन डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स को दोनों सेनाओं को क्या करना है, टू अबाइड बाय, फॉलो करना, उनका अनुसरण करना है, ऐसा अस्पष्ट मैसेज उन्हें क्या किया गया, भेजा गया, किन्हें भेजा गया, दोनों सेनाओं को भेजा गया, ठीक है। चले जब उन्हें भेज दिया गया तो अब उन नियमों वगैरह बारे में बताया जा रहा है कि दीज
वो जो डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स थे वो क्या हैं, दीज रेगुलेट, पढ़ा था आपने रेगुलेट, नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, संचालित करना, दीज रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ट्रुप्स, दीज मतलब वो जो प्रोटोकॉल्स थे, जो व्यवस्थित नियम थे, सुनिश्चित नियम थे, वो नियम जो है रेगुलेट, नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, किसकी, द एक्टिविटीज ऑफ ट्रुप्स। ट्रुप्स याद है आपको, सेना की टुकड़ियां, यानी सेना की टुकड़ियां जो हैं, यानी सेनाओं की जो एक्टिविटीज हैं, उनकी जो गतिविधियां हैं, उनको रेगुलेट करती हैं, उनको नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं कौन, दीज यानी वो जो प्रोटोकॉल्स थे, डिटेल्ड प्रोटोकॉल्स, कब, इन द कंटेस्टेड जोन्स, और कहां पर ये रेगुलेट करते हैं उन्हें, इन द कंटेस्टेड जोन्स। बच्चों आप इस समझते होंगे ये कंटेस्ट, कंटेस्ट मीन्स होता है प्रतियोगिता करना, किसी से लड़ाई करना, ठीक है, प्रतियोगिता करना, तो कंटेस्टेड मीन्स क्या हो जाएगा, विवादित, आप ये वर्ड याद होगा आपको, कंट्रोवर्शियल होता है ना, विवादित, फिर देख लें, करें दीज यानी ये जो सुनिश्चित नियम है, रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ट्रुप्स, यानी सेनाओं की गतिविधियों को क्या करते हैं, संचालित करते हैं, इन द कंटेस्टेड जोन्स, और उस सेनाएं जो कहां रहती हैं, उन विवादित क्षेत्रों में, दैट कौन से विवादित क्षेत्र, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है जोन्स के लिए, इसलिए लाई देखे क्या है, प्लूरल है, दैट वो क्षेत्र, दैट लाई इन यानी जो निहित है, जो स्थित है, बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम लाइन्स ऑफ द अनडिफाइंड एलएसी, यानी ये वो जोन्स हैं, दैट लाई वो क्षेत्र हैं जो स्थित हैं इन बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम, यानी जिन पर दोनों ही देश जो हैं ओवरलैपिंग क्लेम, यानी दोनों ही देश परस्पर दावा करते हैं, वो लाइंस ऑफ द अनडिफाइंड एलएसी, यानी जो अभी अनडिफाइंड, यानी जिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, उस अपरिभाषित एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जिन पर दोनों ही देश ओवरलैपिंग क्लेम, परस्पर दावा करते हैं, अपना अपना हक जताते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में ये कंटेस्टेड जोन्स क्या हैं, स्थित हैं, वो कंटेस्टेड जोन्स जिनमें ट्रुप्स जो हैं, सेनाएं, उनकी गतिविधियों को ये नियम, सुनिश्चित नियम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यानी यहां बताया जा रहा है आपको कि सेनाओं की जो गतिविधियां हैं, उनके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ नियम कानून बने हैं जिन्हें सेनाओं को पालन करना होता है, वो सेनाएं जो उन कंटेस्टेड जोन्स में रहती हैं, अर्थात उन विवादित क्षेत्रों में रहती हैं, वो विवादित क्षेत्र जो कहां पर हैं, इन बिटवीन बोथ साइड्स ओवरलैपिंग क्लेम लाइंस ऑफ द अनडिफाइंड एलएसी, यानी जो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अभी विवादित क्षेत्र है, उन्हीं के बीच में वो कंटेस्टेड जोन्स क्या होता है, लाई स्थित होता है, निहित होता है। इफ यदि आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने, याद है आपको, यानी यदि हमारे जो सेना के प्रमुख हैं मनोज नरवाने, वाइजली शॉट, शॉट यहां क्या है बच्चों, याद है आपको ये वर्ड, सी, सीक में चाहना, इच्छा प्रकट करना, तो सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या है, शॉट, वाइजली क्या हो जाएगा यहां पे, एडवर्ब हो ना, वाइज एडजेक्टिव होगा, तो वाइजली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अगर आपको ये समझ में आए कि सर कैसे पता एडजेक्टिव होगा, तो जब भी किसी शब्द को आप एक नाउन के बारे में बताते हुए देखें तो वह एक एडजेक्टिव हो जाए, जैसे वाइज पर्सन, तो क्या है वाइज, वाइज कौन है, वो व्यक्ति, तो वाइज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, तो उसी एडजेक्टिव में आपने एल वाई जोड़ा तो फिर क्या हो गया, वो एडवर्ब। ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप देखें, जब भी आप किसी एडजेक्टिव प्लस एल वाई देखें, तुरंत कह दें वो क्या है, क्या है वो, एडवर्ब है। लेकिन जब भी आप कभी एक नाउन प्लस एल वाई देखें, तुरंत कह दें वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आपको न समझ में आए तो मैं आपको एक एक एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे आपने देखा सैड, तो सैड एक व्यक्ति होता है ना, ये उसकी अवस्था है, तो इस सैड में अगर आप एल वाई जोड़ेंगे तो ये सैडली हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब। क्यों, क्योंकि आपने एक एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ा। लेकिन अगर आपने लिया फादर, फादर एक व्यक्ति है, नाउन है, तो अगर फादर में आप एल वाई जोड़ेंगे और ये बन गया
फादरली, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये एडवर्ब नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यानी ध्यान रखिए, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है और एडवर्ब बाकी सबके बारे में बताता है। चलिए देखें, तो कह रहे ऐसो, कह रहे इफ, यदि आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाने वाइजली सा, यदि उन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक ये इच्छा प्रकट की टू कूल द टेम्परेचर्स, कि जो LAC पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टेम्परेचर्स है, मीन्स जो दोनों देशों के बीच में गर्मा गर्मी है अर्थात तनाव है, टू कूल, वो तनाव क्या हो जाए, कम हो जाए, विद हिज मई 14 स्टेटमेंट, और ऐसा उन्होंने कब इच्छा प्रकट की, अपनी 14 मई के स्टेटमेंट में, वक्तव्य में, स्टेटमेंट मीन्स वक्तव्य, 14 मई के स्टेटमेंट वक्तव्य में, सॉट टू कूल द टेम्परेचर्स, यानी हमारे जो आर्मी जनरल चीफ हैं, चीफ जनरल हैं, उन्होंने ये इच्छा प्रकट की कि हमारी जो सीमा विवादित क्षेत्र हैं उन पर गर्मा गर्मी को क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, कम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए चाइना, उन्होंने बुद्धिमानी दिखाई ना मनोज नरवाने जी ने कि विवाद न हो, हम शांत रहें। दूसरी तरफ देखिए चाइना हैज अनहेल्पफुली रेज्ड देम, ये देम किसके लिए है बच्चों, टेम्परेचर्स के लिए। उसी गर्मा गर्मी को चीन ने अनहेल्पफुली रेज्ड, उसे और अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया, उठा दिया, यानी गर्मी को और बढ़ा दिया, यानी विवाद को और हवा दे दी। दिस इज अनहेल्पफुली क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे आपका एडवर्ब हो जाएगा। समझते होंगे आप कैसे हो जाएगा, एक मिनट बस, एक ये देख, आपने लिया पहले हेल्प, ये क्या हो गया, वर्ब और नाउन दोनों होता है, इसमें आपने जोड़ा अन, अभी अपोजिट हो गया उसका, अब यहां फुल जोड़ा, इसमें सफिक्स जोड़ दिया, अब ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, अब इसमें क्या जोड़ा आपने ly, अभी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, देख करें ऑन मे 19, देखिएगा 14 मई को मनोज नरवाने जी ने क्या किया कि विवाद को कम करने की कोशिश की, ठीक है, अपने स्टेटमेंट द्वारा, लेकिन 19 मई को, ये देखिए आन है ना, क्यों, जबकि मई यहां है फिर भी आन है, जबकि मई के पहले तो इन लगना चाहिए, लेकिन मैंने कहा था ये डेट है, डेट के पहले आन लगाते हैं। आन मे 19, 19 मई को इट्स किसके लिए है, चीन के लिए, किसी देश के लिए हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, इट लगाते हैं, तब तक जब तक उसे पर्सनिफाई न किया जाए। तो 19 मई को क्या हुआ, इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री, यानी चीन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, विदेश विभाग है, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मींस आरोप लगाना, अक्यूज्ड द इंडियन आर्मी, उसने भारतीय सेना पर आरोप लगाया। और देखिए कितना बढ़िया यूज है बच्चों, एग्जाम में बहुत बार दिया गया, अक्यूज्ड ऑफ है ना, ये अक्यूज ऑफ, अक्यूज ऑफ क्या लगाए, ऑफ, अक्यूज ऑफ क्या होता है, आरोप लगाना। तो वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अक्यूज्ड, आरोप लगाया द इंडियन आर्मी, भारतीय सेना पर, ऑफ किस चीज का आरोप लगाया, अटेम्प्टिंग, कि भारतीय सेना प्रयास कर रही है टू यूनिलैटरली चेंज, देखिए ये ग्रामर का नया यूज है बच्चों, टू और चेंज ये इन्फिनिटिव है और इनके बीच में एक एडवर्ब डाला गया, ठीक है, जो मॉडर्न इंग्लिश में मान्य है। यानी उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना अटेम्प्टिंग, कोशिश कर रही, प्रयास कर रही है टू यूनिलैटरली चेंज, यूनिलैटरली एक तरफा, वन साइडेड, ठीक है, यानी भारतीय सेना पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो एक तरफा टू चेंज, बदलने की कोशिश कर रही है द स्टेटस, किस चीज को, उस स्थिति को, यानी चीन के विदेश मंत्रालय ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया कि भारतीय सेना अटेम्प्ट कर रही है टू यूनिलैटरली चेंज द स्टेटस, कि एक तरफा तरीके से वहां की स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया ऑफ द LAC, कहां की स्टेटस को चेंज करने की, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की स्थिति को। द स्टैंड ऑफ, याद हो गया स्टैंड ऑफ, स्टेलमेट, इम्पास मींस गतिरोध, स्टैंड स्टिल। द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख, लद्दाख में जो गतिरोध था, अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड, अपीयर्स टू हैव बीन, जब भी पास्ट की कोई घटना हो और आपको लगे कि ऐसा हुआ होगा तो टू हैव बीन का प्रयोग कर लें, जैसे द लेटर्स, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, द जैसे मान लिया आप
ही वांटेड द लेटर्स टू हैव बीन डिलीवर्ड, यानी वो चाहता था कि वो पत्र क्या कर दिए गए हों, डिलीवर्ड बांट दिए गए हों। वैसे ही द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख, लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ गतिरोध था, अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड, ऐसा लगता है जैसे ट्रिगर्ड वो क्या हो गया हो, शुरू हो गया हो, आरंभ हो गया हो बाई चाइना, किसके द्वारा, चीन के द्वारा शुरू कर दिया गया हो, मूविंग, वो चाइना मूविंग इन, जो बढ़ता जा रहा है, आगे ले आता जा रहा है ट्रुप्स, किनको, अपनी सेनाओं को, टू ऑब्स्ट्रक्ट, क्या करने के लिए, अवरोध उत्पन्न करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, किसमें अवरोध उत्पन्न करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ने जो सड़क निर्माण का, सड़क निर्माण की जो एक्टिविटी कार्य है, उसमें चीन की सेनाएं क्या करना चाह रही, ऑब्स्ट्रक्ट, अवरोध डालना चाह रही है, बाई, कैसे डालना चाह रही है, बाई लास्ट ईयर, यानी पिछले साल तक, एक मिनट, आपका फिर देख लें यहां से। Okay, here's what I found online. एक नंबर चाहिए, मोबाइल में अपनी वो कर दूं क्योंकि ये बार बार साउंड दे रहा है आपको। ओके, मैंने इसका मुंह बंद कर दिया, देखें। करें द स्टैंड ऑफ इन लद्दाख, यानी लद्दाख में जो गतिरोध था, अपीयर्स टू हैव बीन ट्रिगर्ड, यानी ऐसा लगता है कि वो शुरू किया गया था, गतिरोध शुरू किया गया था बाय चाइना, किसके द्वारा, चाइना के द्वारा, मूविंग इन ट्रुप्स, जो चाइना अपनी सेनाओं को आगे बढ़ा रहा था, टू ऑब्स्ट्रक्ट, क्या करने के लिए, अवरोध उत्पन्न करने के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, यानी सड़क निर्माण के कार्य को, बाई, बाई मीन्स यहां पर तब, बाई लास्ट ईयर, पिछले साल तक, तब क्या हुआ, इंडिया, भारत ने क्या किया, कंप्लीटेड द डरबुक शियोक दौलत बेग ओल्डिंग, यानी डीबीओ, भारत ने ये जो रोड थी डीबीओ की, इस रोड को क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, विच, जो रोड कनेक्ट्स जोड़ती है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, कनेक्ट्स जोड़ती है लेह, लेह को टू द कराकोरम पास, पास समझते हैं ना, दर्रा, यानी वो रोड जो लेह को कराकोरम पास से जोड़ती है, उस रोड को भारत ने कंप्लीट कर लिया था, कब, लास्ट ईयर, पिछले साल। मिलता बच्चों यहां पे लाइन आपके ना, जो पिछला आपने पैसेज पढ़ा वहां नीचे एक दबे यहां पे था, एक्टिविटी बाई इट रहा होगा, यानी इसके द्वारा रोका गया, और फिर यहां से आप देख लें, लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ, इंडिया कंप्लीटेड द डरबुक सियोक दौलत बेग उल्डी रोड, यानी उसने इस रोड को कंप्लीट कर लिया था, विच कनेक्ट्स लेह, लेह समझते होंगे स्थान, लेह को जोड़ती है टू द कराकोरम पास, कराकोरम दर्रे से, ठीक है। इंडिया आल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग स्ट्रिप, स्ट्रिप समझते हैं यहां पे, स्ट्रिप में से यहां पे पट्टी, जैसे आपने हवाई पट्टी सुना ना, वैसे ही यहां पे पट्टी, स्ट्रिप। इंडिया आल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग, की लैंडिंग स्ट्रिप, यानी हवाई यात्रा के उतरने की जो पट्टी होती है वो, एट डीबीओ, डीबीओ समझ गए होंगे आप, ये डरबुक सियोक दौलत बेग ओल्डिंग डीबीओ, एट 16,000 फीट, ये भारत वहां एक की लैंडिंग स्ट्रिप भी मेंटेन करता है, यानी उसने मेंटेन किया हुआ एक पट्टी बनाई हुई है डीबीओ पर, जो करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है। द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मीन्स प्रसंग होता है ना, ब्रॉडर मीन्स विस्तृत, द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट फॉर द टेंशंस, देखिएगा बच्चों ये फॉर द टेंशंस से आपको कोई मतलब नहीं, आपका सब्जेक्ट क्या होगा, द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, जो बड़ा प्रसंग है, फॉर द टेंशंस, इन तनावों के लिए, यानी इन तनावों के लिए जो विस्तृत प्रसंग है, इज वो क्या है, इज द चेंजिंग डायनामिक, कि आप डायनामिक को चेंज कर रहे हैं, यानी वहां का भूगोल जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, एलांग द एलएसी, किसके किनारे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के किनारे, यानी विवाद किस चीज पर, टेंशन की वजह क्या है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि द चेंजिंग डायनामिक, कि आप डायनामिक को ही चेंज कर दे रहे हैं पूरा,
along the LAC, कहाँ? LAC के किनारे किनारे. India has been upgrading its roads. समझिए जो मैं पीछे बता रहा था मैं आपको. India has been present perfect continuous, ing देखिए. India has been upgrading its roads. जब समय न दिया गया रहे तो भी आप समझे has been plus verb के ing form है तो present perfect continuous हो जाएगा. यानी ता रहा है ये सेंस आ जाएगा. India has been upgrading यानी इंडिया उन्नत करता. अपग्रेड मीन्स उन्नत करना और बेहतर बनाना. यानी इंडिया हैज बीन अपग्रेडिंग, इंडिया और उन्नत करता रहा है इट्स रोड्स अपनी सड़कों को. एज एज इट प्लेस कैच अप, मैंने कहा था ना प्ले कैच अप मीन्स क्या होता है बराबरी पर आना यानी किसी के लेवल पर आना. नहीं भारत भी क्या कर रहा है अपनी सड़कों को अपग्रेड कर रहा है. एज क्यों? क्योंकि इट प्लेज कैच अप, क्योंकि यह बराबरी पर रहना चाहता है किसके साथ? विद चाइना, उस चाइना के साथ. ऑलरेडी एंजॉयिंग एन एडवांटेज, जो चाइना ऑलरेडी बढ़त की स्थिति में है. इन बोथ, दोनों में ही बढ़त की स्थिति में है. टेरेन यानी जमीन के लेवल पे भी बढ़त की स्थिति में है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्माण के जो चीजें होती हैं उन पर भी क्या है बढ़त की स्थिति में. यानी चीन जमीन के लेवल पे भी और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से संबंधित जो चीजें होती उन पर भी बढ़त की स्थिति में है. और भारत क्या चाह रहा है? इंडिया प्लेज कैच अप. भारत चाहता है कि वह सड़कें वगैरह इस लेवल पे बना ले ताकि वह भी चीन के क्या आ जाए बराबर आ जाए. इंडिया सॉरी यहां से चाइना नाउ सीम्स टू बी टेलिंग इंडिया. ऐसा लगता है सीम्स ऐसा प्रतीत होता है यानी ऐसा प्रतीत होता है कि चीन जो है अब टू बी टेलिंग इंडिया, टू बी टेलिंग इंडिया यानी भारत को ऐसा कहता हुआ प्रतीत हो रहा है कि इट हैज नो राइट. इट किसके लिए है? इंडिया के लिए. इट हैज नो राइट कि भारत के पास कोई अधिकार नहीं है टू कैरी आउट, टू कैरी आउट पूरा करना, टू कैरी आउट द काइंड ऑफ एक्टिविटी कि वो ऐसे कार्य को पूरा करे दैट जो बीजिंग हैज ऑलरेडी डन, जो बीजिंग यानी चीन ने ऑलरेडी पहले क्या कर लिया है पूरा कर लिया. देखिए कितनी बड़ी चीज है. यानी गांव से दबंग होता है ना कोई, वो सोचता है कि नहीं मैं जिस पोजीशन में हूं सामान्य लोग ऐसी पोजीशन में ना आए. सेम वही लाइन है यहां पे देखें कि चाइना नाउ सीम्स टू बी टेलिंग इंडिया यानी वो कह नहीं रहा है बट ऐसा प्रतीत हो रहा है वो भारत से ऐसा कह रहा हो क्या कि इट हैज नो राइट कि भारत के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है टू कैरी आउट द काइंड ऑफ एक्टिविटी कि भारत कोई इस प्रकार का कार्य करे दैट बीजिंग हैज ऑलरेडी डन, जैसा बीजिंग ने ऑलरेडी कर लिया है. इंडिया इज वेल विद इन इट्स राइट, लेकिन भारत बिल्कुल अपने हक में है, सही है बिल्कुल क्या टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन वर्क कि वह उस निर्माण कार्य को कैरी आउट क्या करे जारी रखे पूरा करे अर्थात वो पीछे न हटे. ठीक. दिल्ली यानी दिल्ली नीड्स, दिल्ली समझते हैं बच्चों अर्थात भारत सरकार. दिल्ली नीड्स टू रिमाइंड बीजिंग, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना किसी को. नहीं दिल्ली को जरूरत है यानी भारतीय सरकार, भारत सरकार को जरूरत है टू रिमाइंड बीजिंग कि वो चीन को याद दिलाए दैट की अ फंडामेंटल प्रिंसिपल कि वो जो मौलिक सिद्धांत है कौन सा मौलिक सिद्धांत दैट अंडर पिंस जो कहीं कहीं समर्थन करता है ऑल प्रीवियस एग्रीमेंट्स किनका पहले के जितने भी समझौते हुए. यानी भारत को कहीं कहीं बीजिंग को याद दिलाना चाहिए दैट की अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो मौलिक सिद्धांत है दैट अंडर पिंस ऑल प्रीवियस एग्रीमेंट जो पहले के सभी समझौतों कहीं कहीं समर्थन करता है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइजिंग. वो ये है कि रिकॉग्नाइजिंग द राइट कि हम अधिकारों को माने पहचान दें टू म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी ऑफ द टू कि दोनों के जो इक्वल सिक्योरिटी समान सुरक्षा है और उनके जो आपसी मुद्दे हैं उन दोनों को हम लोग रिकॉग्नाइज करें मीन्स उन्हें पहचाने माने. ये भारत को चीन को क्या करना चाहिए बताना चाहिए टू साइड्स यहाँ पे दोनों पक्षों से है. यानी भारत को चीन को ये बताना चाहिए कि मौलिक सिद्धांत है कि पिछले जो हमारे समझौते हुए हैं
उनमें ये बताया गया है कि हम एक दूसरे की जो म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी है, यानी जो आपसी और समान सुरक्षा है, इनको रिकॉग्नाइज करें, इनको हम मान्यता दें। द इमीडिएट प्रायोरिटी, इमीडिएट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या होता है बच्चों? नाउन। तो इमीडिएट क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। किसी भी शब्द के अंत में आई टी वाई है, तुरंत कह दें वो नाउन है। द इमीडिएट प्रायोरिटी यानी जो तुरंत की प्रायोरिटी, प्रायोरिटी प्राथमिकता, जो चीज प्राइमरी आपके एजेंडा में हो, टारगेट में हो, वो आपकी प्रायोरिटी होता है, प्रायोरिटी भी आप इसे पढ़ते हैं। द इमीडिएट प्रायोरिटी यानी जो हमारी तुरंत की प्राथमिकता है, इज है, क्या है? फॉर बोथ साइड्स, दोनों ही पक्षों के लिए, टू यूज, कि वो उपयोग में ले आए, क्या? एग्जिस्टिंग चैनल्स, विद्यमान यानी इस समय के जो चैनल्स हैं, माध्यम है, उन्हें उपयोग में ले आए। एंड स्टेप बैक, और जो क्लासेस हो रहे हैं उनसे क्या हो जाए? स्टेप बैक, वापस हो जाना पड़ा था, स्टेप असाइड, याद है ना आपको ये, अभी आपने कल पढ़ा था, सॉरी, स्टेप असाइड मीन्स किनारे हो जाना, हट जाना, तो स्टेप बैक पीछे हट जाना, यानी जो तुरंत की प्राथमिकता दोनों पक्षों के लिए क्या है कि वो जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, जो अभी हालात हैं, उनको माने एंड स्टेप बैक, और झगड़ा करने के बजाय, कलह करने के बजाय पीछे हो जाए। फ्लैग मीटिंग्स बिटवीन ब्रिगेड कमांडर्स हैव सो फार बीन अनेबल, यानी अभी जो फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं दोनों, यानी दोनों देशों के ब्रिगेड कमांडर्स के बीच, देखिए दोनों देशों की बात है ना, ब्रिगेड कमांडर्स के, इसलिए क्या लगाया गया? बिटवीन। दोनों देशों में जो फ्लैग मीटिंग्स हुई हैं, हैव सो फार बीन, देखिए एडवर्ब है इसलिए हैव और बीन के बीच में लाया गया, हैव सो फार बीन, अब तक वो क्या रहा है, वो फ्लैग मीटिंग्स अनेबल नहीं है, असमर्थ रही हैं, टू ब्रेक द स्टेलमेट, किस चीज को तोड़ने में? उस स्टेलमेट को तोड़ने में। स्टेलमेट तो आपको याद हो जाना चाहिए, देखिए इसी एडिटोरियल में ये वर्ड भी यूज किया गया, ऑब्स्ट्रक्ट भी यूज किया गया, इसी में स्टेलमेट भी यूज किया गया, और मैंने आपको बताया ये वर्ड भी, इम्पॉस भी, ये भी मैंने बताया, डेड लॉक भी, और इसी में आपको बताया गया ये वर्ड भी बच्चों, अभी इसकी जो हेडिंग में ही था, क्या? स्टेला, ऐसे ही वर्ड तैयार होते हैं। स्टैंड ऑफ मीन्स भी गतिरोध, इम्पास मीन्स भी गतिरोध, स्टेलमेट मीन्स भी गतिरोध, और डेडलॉक मीन्स गतिरोध, और ऑब्स्ट्रक्ट गतिरोध उत्पन्न करना हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें तो करें, फ्लैग मीटिंग्स जो दोनों ब्रिगेड कमांडर्स के बीच में हुई, हैव सो फार बीन अनेबल, वो मीटिंग्स अभी भी असमर्थ रही हैं टू ब्रेक द स्टेलमेट, गतिरोध को क्या करने में? तोड़ने में, खत्म करने में। द इंसिडेंट्स, ये जो घटनाएं हैं, हैव अंडरलाइन, मैंने पढ़ाया था अंडरलाइन, बल देना किसी चीज पर, यानी ये दोनों, इन दोनों घटनाओं ने हैव अंडरलाइन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट को आया तुरंत या है वाला सेंस आ जाएगा, यानी इन दोनों घटनाओं ने बल दिया है, हाउ, कि कैसे, द न्यू एलएसी सिचुएशन, कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो नई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल सिचुएशन है, वो कैसे इज प्लेसिंग, रख रही है एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स, यानी वर्तमान जो मैकेनिज्म है, यानी चीजें जो व्यवस्थाएं हैं, वो कैसे उन्हें प्लेस कर रही है, स्थान दे रही है अंडर रिन्यूड स्ट्रेस। रिन्यूड स्ट्रेस मीन्स नए नए स्ट्रेस, स्ट्रेस याद है बच्चों, स्ट्रेस मीन्स तो ये हो जाएगा आपका टेंशन, तनाव, यानी द इंसिडेंट्स हैव अंडरलाइन, यानी इन घटनाओं ने इन चीजों पर बल दिया है कि हाउ, कि कैसे द न्यू एलएसी सिचुएशन, जो एलएसी की नई सिचुएशन है, इज प्लेसिंग एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स, वो जो वर्तमान व्यवस्थाएं को कैसे प्लेस कर रही है अंडर रिन्यूड स्ट्रेस, इस नए नए तनाव के बीच में, मतलब उसके अधीन। इंडिया एंड चाइना शुड ग्रैप, देखिए शुड आया तुरंत समझ जाए यहां पे, इसके बाद वर्ब होगी और वो भी फर्स्ट फॉर्म में, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? चाहिए। तो इंडिया एंड चाइना शुड ग्रैस्प द करंट सिचुएशन,
एज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को क्या किया जाता है, ग्रैस्प किया जाता है, यानी उस अवसर का उपयोग किया जाता है, लाभ लिया जाता है। नहीं, भारत और चीन को शुड ग्रैस्प द करंट सिचुएशन, जो वर्तमान स्थिति है, इस स्थिति को एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर के रूप में इसको हथियाना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए। किस अवसर के रूप में? टू रिवाइव, कि वो शुरू करें, फिर से आरंभ करें द स्टॉल्ड, रुके हुए प्रोसेस, यानी रुके हुए किसको, प्रोसेस को, प्रक्रिया को। यानी उनके पास एक अवसर है, यानी ये जो करंट सिचुएशन चल रही है, ये करंट सिचुएशन एक एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है कि वो रिवाइव करें, फिर से शुरू करें द स्टॉल्ड प्रोसेस, रुकी हुई प्रक्रिया को। कौन सी रुकी हुई प्रक्रिया? ऑफ क्लैरिफाइंग द एलएसी, जिसमें वो इस एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्या कर लें, क्लैरिफाई कर लें, अर्थात स्पष्ट कर लें कि ये यहां तक आपका है और ये हमारा है, कि करंट सिचुएशन जो है इस समय जो पैंडेमिक की है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक अवसर है, जिस अवसर को भारत और चीन दोनों को क्या करना चाहिए, शुड ग्रैस्प, इसका उपयोग करना चाहिए, इसे और इसका लाभ लेना चाहिए। लास्ट पैसेज बच्चों आपका, चाइना हैज रेजिस्टेड, समझते हैं, विरोध दर्ज करना, प्रतिरोध करना, और हैज रेजिस्टेड, जैसे आपने देखा तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या है इसका हिंदी हो जाएगा। चाइना हैज रेजिस्टेड, यानी चीन ने विरोध किया है, विरोध दर्ज किया है दिस, इस चीज का, एज अ डिस्ट्रैक्शन, क्या कहते हुए, यह एक डिस्ट्रैक्शन है, यानी ध्यान भटकाने का कार्य है, टू द बाउंड्री निगोसिएशंस, किस चीज के लिए, जो बाउंड्री निगोसिएशंस हो रहे, यानी जो सीमा पर वार्ताएं हो रही हैं, उस पर ध्यान भटका रहा है भारतीय सेना, ऐसा वो चीन कह रहा है, और इसीलिए वह इस चीज का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। फिर देखिए बच्चों, चीन ने विरोध किया है दिस, इस चीज का, किस चीज का, ये जो क्लैशेस हो रहा है, तनाव हो रहा है, क्या कह के कि एज अ डिस्ट्रैक्शन, कि इससे ध्यान भटक रहा है टू द बाउंड्री निगोसिएशन, सीमा पर होने वाली वार्ताओं से, बट लेकिन रेदर देन एग्री ऑन लाइन, रेदर देन की अपेक्षा, एग्री सहमत होना, और जब आप किसी टॉपिक पे सहमत होते हैं तो एग्री के साथ क्या लगाया, देखिए आपने, एग्री ऑन, किसी प्रपोजल पे सहमत होते हो तो एग्री टू, किसी व्यक्ति से सहमत होते हो तो एग्री विद, बट रेदर देन, रेदर देन मीन्स की अपेक्षा, बट रेदर देन एग्री ऑन लाइन, यानी उस लाइन पर, उस लाइन पर सहमत होने की अपेक्षा, बोथ, दोनों, कौन दोनों, इंडिया एंड चाइना, बोथ कैन इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स इसके बजाय, इसके बजाय दोनों को क्या करना चाहिए, सिंपली सीक, तलाश करना चाहिए, टू बेटर अंडरस्टैंड द क्लेम्स, कि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड द क्लेम्स, वो दावों को समझें ऑफ द अदर, एक दूसरे के, यानी बेहतर होगा उनके लिए कि वो एक दूसरे के दावों को बेटर अंडरस्टैंड, अच्छे तरीके से समझें, एंड और रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, और एक आम समझदारी पर रीच पहुंचे, टू रेगुलेट एक्टिविटी, ताकि उन कार्यों को रेगुलेट किया जा सके, संचालित किया जा सके, इन दीज एरियाज, इन एरियाज में, यानी इन क्षेत्रों में। फिर से लाइनें देख लें बच्चों, आसान है, समझ लेंगे आप, वर्ड्स जरूर ध्यान दिया करें, क्या पढ़ रहे हैं, उनका कैसे यूज हो रहा है वो देखें, बट लेकिन rather than agree on a line, यानी एक लाइन पर सहमत होने के बजाय, यानी उसकी अपेक्षा, both can instead simply seek to better understand, दोनों को ही इस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए, इच्छा प्रकट करनी चाहिए, the claims of the other, यानी दूसरे के दावों को उन्हें अच्छे तरीके से समझना चाहिए, and reach a common understanding, और एक आपसी समझ पर, आम समझ पर पहुंचना चाहिए, टू रेगुलेट एक्टिविटी इन दीज एरियाज, ताकि इन क्षेत्रों में रेगुलेट एक्टिविटी, यानी जो कार्यविधि है, क्रियाविधि है, रेगुलेट और नियंत्रित होती रहे, चलती रहे, अर्थात वो बनी रहे। क्लैरिफाइंग द एलएसी, देखिए ये क्लैरिफाइंग द एलएसी के बाद सीधे क्या आ गया बच्चों, मे, हेल्पिंग वर्ब आ गई ना, कि पूरा क्लैरिफाइंग द एलएसी क्या हो जाएगा आपका, जेरंडियल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लैरिफाइंग क्या है, जीरंड,
क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। आप जानते हैं वर्ब में जब भी आपने आईएनजी जोड़ा और ये आईएनजी फॉर्म जो है सब्जेक्ट का काम करे तुरंत, या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट का काम करे तुरंत कह दें वो क्या है आपका जीरंड है। लेकिन अगर वो एक वर्ब या एडजेक्टिव का काम करे तो तब तुरंत क्या कह दें आप कि वह क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। फिर से, अगर एक आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो क्या है वो जीरंड, और अगर वो आईएनजी फॉर्म वर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करे तो क्या है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। देखिए करें क्लैरिफाइंग द एलएसी, यानी अगर आप एलए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्लैरिफाई कर लेते हैं यानी उसे अस्पष्ट कर लेना, मे इवन प्रोवाइड अ फ्रेश इम्पेटस, ये क्या प्रदान कर सकता है, क्या प्रोवाइड कर सकता है, अ फ्रेश इम्पेटस, इम्प्रेस याद हो गया, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बूस्ट, यानी एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है क्या, यदि आप एलएसी को क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है टू द इंस्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स, किसको प्रेरणा प्रदान कर सकता है, उस रुकी हुई सीमा वार्ता को, वार्ताओं को, यानी सीमा पर जो बातचीत चल रही है उन टॉक्स को, जो रुकी हुई है उन रुकी हुई वार्ताओं को एक प्रकार की प्रेरणा मिल सकती है बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, जो टॉक्स, जो वार्ताएं किसके बीच में चल रही हैं, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच, अर्थात विशेष प्रतिनिधियों के बीच में। तो अगर ये क्लैरिफाई कर लेते हैं एलएसी को आप, इससे कहीं कहीं एक नई प्रेरणा मिलेगी जिससे वो जो इंस्टॉल्ड बाउंड्री टॉक्स है, यानी बाउंड्री पर जो बातचीत हो रही, जो अभी इंस्टॉल रुकी हुई है बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी दोनों के विशेष प्रतिनिधियों बीच, उसके लिए एक नई प्रेरणा मिल सकती है यदि वो एलएसी क्या हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए। बियॉन्ड द पोस्चरिंग, पोस्चरिंग क्या होता है, तेवर, मुद्रा, जो चेहरे की मुद्रा होती है, तेवर होता है वो पोस्चरिंग होती, यानी अगर हम उनके तेवर से परे देखें, यानी अगर वो अपने तेवर दिखाने से परे अलग हो जाए तो बोथ साइड्स नो, तो दोनों पक्ष जानते हैं अ फाइनल सेटलमेंट विल अल्टीमेटली हैव टू यूज, कि जो फाइनल सेटलमेंट है यानी जो अंतिम सेटलमेंट है, अंतिम जो व्यवस्था है, विल अल्टीमेटली हैव टू यूज, उसे क्या करना होगा, उसे हैव टू यूज, उपयोग करना होगा द एलएसी, किसको उपयोग में लाना होगा, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एज अ बेसिस, किस रूप में, एक आधार के रूप में। यानी अगर इस लाइन को हम और अच्छे से समझें, देखिए ऐसे हम बोलेंगे, यानी बियॉन्ड द पोस्चर, यानी अगर वो तेवर दिखाने से अलग होकर सोचें तो बोथ साइड्स नो, तो दोनों पक्ष जानते हैं, क्या जानते हैं, कि अ फाइनल सेटलमेंट विल अल्टीमेटली हैव टू यूज द एलएसी, यानी अगर फाइनल सेटलमेंट होना है तो उसमें एलएसी को क्या किया जाएगा, क्या किया जाना है, यूज किया जाना है, किस रूप में, एज अ बेसिस, आधार के रूप में, विद ओनली माइनर एडजस्टमेंट्स, वो भी किस चीज के साथ, माइनर एडजस्टमेंट्स, थोड़े थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स के साथ, थोड़े बहुत समायोजनों के साथ, संशोधनों के साथ, बदलावों के साथ, एलएसी को ही वास्तव में क्या मानना होगा, दोनों देशों को एज अ बेसिस, आधार के रूप में मानना होगा। ओनली अ सेटलमेंट विल एंड द शैडो, यानी केवल एक सेटलमेंट, यानी यदि दोनों देशों में विवादों का समाधान हो जाता है तो वह सेटलमेंट ही विल एंड द शैडो, उस परछाई को, उस काले साए को क्या कर सकता है, उसका अंत कर सकता है बॉक्सिंग, जो काला साया, जो परछाई बॉक्सिंग ऑन द एलएसी, उस एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बॉक्सिंग क्या कर देती है, ढक देती है। और अगर इस एलएसी पर जो साया मंडराता रहता है, ढका रहता है, यदि उसे एंड करना है तो हर हाल में क्या होना होगा, एक सेटलमेंट होना होगा, अर्थात दोनों देशों के बीच में कहीं कहीं चीजों को सेटल करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। करें विद बोथ कंट्रीज इन द मिडस्ट ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडेमिक, आपने पढ़ा था बच्चों अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी न हुआ हो,
ग्लोबल पैंडेमिक भी आपको रट गया होगा, बिल्कुल वैश्विक महामारी और मिड्स्ट मींस के बीच में, ठीक है, यानी विथ बोथ कंट्रीज, यानी दोनों ही देश क्या हैं इन द मिस ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल पैंडेमिक, दोनों ही देश एक अभूतपूर्व वैश्विक महामारी के बीच में हैं, इसलिए द टाइम वो समय टू पुश फॉर अ सेटलमेंट, जब एक सेटलमेंट यानी एक समाधान के लिए वो आगे बढ़े टू अ डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्ट्रीब्यूट, यानी किसके लिए आगे बढ़े वो, उस डिस्ट्रैक्टिंग जो उनका ध्यान भटकाता रहता है, प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट अर्थात जो लंबे समय से क्या चला रहा है वो व्हाट डिस्प्यूट विवाद चला रहा है, उसके समाधान होने का जो द टाइम है समय है हैज कम या इज नाउ, यही लिखा होगा इज नाउ, यानी अब वो समय आ चुका है कि हम क्या लें, एक सेटलमेंट लें। फिर से लाइन देख लें बच्चों, शायद लास्ट लाइन है, फिर से देख लें, देखें द टाइम यानी वो समय टू पुश फार आगे बढ़ने का अ सेटलमेंट, किस चीज के लिए, एक समाधान के लिए, किस समाधान के लिए, टू अ डिस्ट्रैक्टिंग, वो समाधान जो एक डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट, यानी एक ऐसा डिस्प्यूट एक ऐसा विवाद जो प्रोट्रैक्टेड है लंबे समय से चला रहा है, डिस्ट्रैक्टिंग है मीन्स कहीं कि इन दोनों देशों का ध्यान भटकाता रहता मुद्दों से, उस इन प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट डिस्ट्रैक्टिंग डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए जो आगे बढ़ने का समय है द टाइम, यहां जोड़ लें द टाइम के बाद, वो टाइम इज नाउ, उस समय कब है, अब आ गया है, यानी अब समय आ गया है कि इस डिस्ट्रैक्टिंग प्रोट्रैक्टेड डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए पुश फार वो क्या हो, अपने आप को आगे बढ़ाए, ठीक है। चलिए बच्चों फिर से पढ़िएगा, अब पीडीएफ आपको तुरंत अभी डाल दिया जाएगा तो आप तुरंत मिल जाएगा, जो कल का पीडीएफ था थोड़ा स्लेट हो दोपहर में डाल दिया क्योंकि लैपटॉप में भूल गया था दूसरा वाला इसलिए देर हो गई, तो आप ये पीडीएफ तुरंत अभी मिल जाएगा आपको, इसलिए इसमें पूरा देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये लास्ट सेगमेंट मेरा देख लें आप, ये मेन सेगमेंट है बच्चों, जरूर इसे पढ़ें, भले आप एडिटोरियल पढ़ते समय पैसे वगैरह थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन उसमें क्या मिलना है, ग्रामर का स्ट्रक्चर, और ये जरूर देख लें। तो विटनेस आपको याद हो गया, विटनेस एक नाउन के रूप में क्या होता है, एक गवाह, लेकिन वर्ब के रूप में विटनेस क्या होता है, गवाह होना, साक्षी होना, किसी चीज को आंखों देखना। स्टैंड ऑफ याद हो गया, स्टैंड ऑफ एक स्टेलमेट, एक इम्पास, एक डेडलॉक। एस्केलेट क्या हो गया, किसी चीज को तेजी से बढ़ा देना मीन्स पुश करना और गति दे देना। डिस्प्यूट क्या हो गया, एक क्लैश मीन्स एक विवाद झगड़ा। अबाइड बाई क्या होता है, फॉलो मीन्स किसी चीज का अनुसरण करना, किस चीज का, किसी नियम किसी कानून वगैरह का। प्रोटोकॉल क्या होता है, कुछ सर्टेन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं मीन्स कुछ जो सर्टेन एटिकेट्स होते हैं, यानी जो एक व्यवस्थित तो सुनिश्चित नियम होते हैं वो प्रोटोकॉल होता है। रेगुलेट किसी चीज को कंट्रोल करना संचालित करना। ट्रुप्स सेना की टुकड़ियां। कंटेस्टेड जोन ये मैंने जानबूझ के लिखा, याद कर लें, कंटेस्टेड जोन मीन्स विवादित क्षेत्र कंट्रोवर्सियल रीजन्स। ओवरलैपिंग किसी चीज पर परस्पर रूप में, जब आप ओवरलैपिंग क्लेम्स करते हैं तो आप परस्पर दावे करते हैं। यूनिलैटरल काम आएगा, एक वर्ड आप जानते होंगे बच्चों, मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखें ये आपका बाइलैटरल। बाइलैटरल क्या होता है, द्विपक्षीय जो होता है वो बाइलैटरल होता है, बाई मीन्स ही दो होता है, तो यूनिलैटरल क्या होता है, जो एक पक्षीय होता है, क्या होता है, जो एक पक्षी, क्यों, क्योंकि यूनि मीन्स ही एक होता है, यूनिलैटरली मीन्स एक पक्षीय रूप से। ट्रिगर किसी चीज को हैपन करना मीन्स शुरुआत करना उसे आरंभ करना। ऑब्स्ट्रक्ट हिंडर करना अवरोध उत्पन्न करना। डायनामिक सूत्र में डायनामिक मीन्स गतिशील होता है, लेकिन यहां पे जो चीज एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में हो। अपग्रेड क्या होता है, किसी चीज को और बेहतर बनाना उन्नत करना, जैसे आप विंडोज वगैरह अपग्रेड करते हैं उसे और उन्नत करते हैं। कैचअप यहां कैचअप बराबरी पर आना लेवल पर आना। टेरेन वो लैंड वो जमीन हम जिसका मेंशन कर रहे हैं उल्लेख कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण संबंधी अर्थात जितना
इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड जो चीज खर्च हो रहा है वो क्या है आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। अंडरपिन क्या होता है, किसी चीज को अंडरपिन करना, उसे सपोर्ट करना, सहारा देना। प्रायोरिटी, आपकी प्राइमरी पर्पस क्या है, आपका मुख्य उद्देश्य यानी आपकी प्राथमिकता क्या है, या आपकी प्रायोरिटी होती है। स्टेप बैक, पीछे हट जाना, वापस लौट जाना। स्टेलमेट वही है आपका जो स्टैंड ऑफ है, स्टैंड स्टिल है, मीन्स गतिरोध। अंडरलाइन, किसी चीज पर बल देना, उसे महत्व देना। मैकेनिज्म, एक व्यवस्था, वैसे मैकेनिज्म मशीनीकरण को भी कहते हैं आप। स्ट्रेस, यहां तनाव, टेंशन। ग्रैस्प, किसी चीज को जकड़ लेना, पकड़ लेना। इफ यू आर ग्रैस्पिंग द अपॉर्चुनिटीज, यानी आप उन अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। रिवाइव, पुनर्जीवित करना, फिर से अस्तित्व में ले आना। स्टॉल्ड प्रोसेस, रुकी हुई प्रतिक्रिया, स्टॉल्ड रुकी हुई प्रतिक्रिया। स्टॉल्ड यहां क्या है, ईडी जुड़ गया वर्ब में, एडजेक्टिव हो गया, प्रोसेस क्या हो जाएगा, नाउन। डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट से बना, ये वर्ड है ना आपका, डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भंग करना, तो डिस्ट्रैक्शन यानी फिर भंग करने, ध्यान भंग करने का कार्य, जब आप रास्ते से भटक जाएं तो डिस्ट्रैक्शन होता है। निगोसिएशंस, टॉक्स यानी वार्ताएं। सीक, चाहना, तलाश करना, इच्छा प्रकट करना। इम्पेटस, बढ़िया वर्ड है कंपटीशन के लिए, प्रेरणा। स्टिम्यूलस मीन्स इंसाइटमेंट। पोस्चरिंग, तेवर, आपका मुद्रा, आपके चेहरे वगैरह का भाव। अल्टीमेटली, अंततः। अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, यूनिक यानी जैसा पहले न हुआ हो। ग्लोबल पैंडेमिक, वैश्विक महामारी। प्रोट्रैक्टेड, कल भी आपने पढ़ा था, दीर्घकालीन। और ये मैंने कुछ वर्ड्स परिचय जोड़े जो इंपॉर्टेंट थे, आपने कल परसों पढ़े थे, वो क्या, सेडिशन याद है आपको, राजद्रोह। मैनेवर याद है आपको, कोई आपकी चाल, कोई कदम आपका, कोई कौशल कह सकते हैं आपका। इम्पाश याद हो गया, मीन्स गतिरोध। टॉर्टियरी याद है आपको, तीसरे लेवल का, इंपॉर्टेंस में, वैल्यू में जो तीसरे लेवल पे रैंक पे हो वो टॉर्टियरी। फिस्कल याद है आपको, मौद्रिक, मुद्रा से संबंधित, वित्तीय। लिक्विडिटी याद है आपको, नकद, जो कैश होता है वो लिक्विडिटी होता है। और स्टिम्यूलस, प्रेरणा मीन्स इंसाइटमेंट। ठीक है, सारे वर्ड जरूर तैयार करें, धीरे धीरे देखते जाएं बच्चों। और ये मैंने कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं कि कैसे आप स्टैंड ऑफ का यूज करें लाइन में, अपनी लाइफ में, यूनिलैटरल, प्रायोरिटी, अनप्रेसिडेंटेड, इम्पेटस, लाइफ में कैसे यूज करें, मैंने हिंदी में बना के दिया, इसे जरूर देखिएगा। और आप ऐसे ही बच्चों सपोर्ट करते रहें, जुड़े रहें, और चीजें व्यवस्थित करते जाएं, लोगों को बताते जाएं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, कल आपकी 5 से मैथ्स की क्लास आपकी नहीं चल पाई थी, सॉरी उसके लिए, उनके भी अपने काम होते हैं, जरूरतें होती हैं, और इस समय लॉकडाउन का ऐसा समय, बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, तो इस वक्त नहीं चल पाया था, आज चलेगा वो, क्या मैं कह रहा था। तो ये सारी चीज़ें बच्चों आप अच्छे से तैयार करते जाएं। मंडे को मैंने कहा हुआ है कि आपको मैं इस तरीके का सिस्टम ले आऊँगा जहाँ एक साथ सारे वर्ड्स मैं आपको दूंगा जो मैंने पढ़ाए होंगे, 50-60-70 वर्ड्स, आप उन्हें बताइएगा कि कैसे। और जो मैंने शुरू में अभी आपको MCQ के क्वेश्चंस दिए, उन पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या वो अच्छा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो आप जरूर इसे इंक्रेज करने की कोशिश करिएगा, और अगर सुझाव हो तो उसे रखने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हैव अ नाइस डे। हमेशा खुश रहें आप बच्चों, हमेशा खुश रहें।